नमस्कार, मैं रश्मि शर्मा, आप देख रहे हैं द एंगल। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार किया देश को संबोधित। 5 अप्रैल रात 9:09 घर की लाइटें बंद कर जलाएं मोमबत्ती, टॉर्चियां दिए। गाजियाबाद में स्वास्थ्य कर्मियों के साथ अभद्रता पर सीएम योगी सख्त। बदसलूकी करने वालों पर रासुका के तहत होगी कार्रवाई। देश में आए कोरोना के 336 नए केस, 2600 से अधिक संक्रमित, 56 से अधिक लोगों की गई जान। राजस्थान में भी बढ़ा आंकड़ा। प्रदेश में आटा बेसन की मिलों में उत्पादन जारी। उद्योग मंत्री ने कहा CSR फंड से करें गरीब मजदूरों को खाने पीने की मदद। पूरा देश इन दिनों कोरोना वायरस की चपेट में है। कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार देश को संबोधित किया। पीएम ने एक बार फिर देशवासियों से सामूहिक शक्ति दिखाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि 5 अप्रैल को रात में 9:09 के लिए सब लोग मिलकर देश को रोशनी से रोशन करें। उन्होंने कहा कि घर की सभी लाइटें बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाएँ। इस दौरान पीएम ने लक्ष्मण रेखा न लांघने की सलाह दी। पीएम मोदी ने चेतावनी दी कि आप सबसे प्रार्थना है कि इस आयोजन के समय किसी को भी कहीं पर भी इकट्ठा नहीं होना है। रास्तों में, गलियों या मोहल्लों में नहीं जाना है। अपने घर के दरवाजे, बालकनी से ही इसे करना है। सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा को कभी भी लांघना नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेल जगत की हस्तियों से देश में बढ़ते कोरोना वायरस के हालातों पर चर्चा की। मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिलाड़ियों से बातचीत की। इसमें BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी समेत 40 शीर्ष खिलाड़ी शामिल हुए। इस दौरान मोदी ने इन सभी खिलाड़ियों से कोरोना के खिलाफ जंग में साथ आने की अपील की। मोदी ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए 5 मंत्र दिए। मोदी ने सभी से कोरोना के खिलाफ टीम इंडिया के रूप में लड़कर भारतीय टीम को जिताने की बात कही। यूपी सरकार ने गाजियाबाद के जिला MMG अस्पताल में हुई घटना के बाद आरोपियों पर रासुका लगाने के आदेश दिए हैं। अस्पताल में भर्ती कराए गए जमाती मरीजों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उन पर अस्पताल परिसर में बिना पैंट नग्न घूमने, नर्सों के साथ छेड़छाड़ और अश्लील इशारे करने, अस्पताल स्टाफ से बीड़ी सिगरेट मांगने के भी आरोप हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने DM, SSP और स्थानीय पुलिस को इसकी लिखित शिकायत दी, जिसके बाद यूपी सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया। गाजियाबाद की घटना पर यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये ना कानून को मानेंगे, ना व्यवस्था को मानेंगे। ये मानवता के दुश्मन हैं। जो इन्होंने महिला स्वास्थ्य कर्मियों के साथ किया है वह जघन्य अपराध है। इन पर रासुका लगाया जा रहा है, हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 15 अप्रैल से लॉकडाउन खुलेगा। इस समय जो जहां फंसा होगा वहां से आने का प्रयास करेगा। इन हालातों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद चुनौतीपूर्ण होगा। इसके लिए अभी से कार्य योजना तैयार करें। स्कूल, कॉलेज, अलग अलग तरह के बाजार और मॉल कब और कैसे खुलेंगे इसकी कार्य योजना तैयार करें। लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर अधिकारियों संग बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि हर जरूरतमंद तक समय से भोजन पहुंचाना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें दो स्तर पर तैयारी करनी होगी, मौजूदा हालात और भविष्य के मद्देनजर रणनीति तैयार करें। कोरोना वायरस का कहर दुनिया के साथ साथ भारत में भी बढ़ता जा रहा है। दुनिया में अब इस बीमारी से 40,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। वहीं 10,00,000 से अधिक लोग इससे संक्रमित हैं। देश में इस खतरनाक वायरस के अब तक लगभग 2700 से अधिक मामले आ चुके हैं। इस बीमारी से 192 लोग ठीक हो गए हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। अब तक 74 ने कोरोना से जान गंवाई है। सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर और अंजलि भारद्वाज की याचिका पर सुनवाई करते हुए भारत सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिका में दोनों ने प्रवासी मजदूरों को तत्काल न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने के लिए निर्देश देने की मांग की है। याचिकाकर्ता का कहना है कि कोरोना वायरस की वजह से लागू हुए लॉकडाउन के कारण वे ही सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। मामले में अगली सुनवाई 7 अप्रैल को होगी। याचिका में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से इन लोगों को वेतन दिलवाने की मांग की गई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पलायन कर रहे मजदूरों को ठहराने के लिए होटल, रिसोर्ट के इस्तेमाल की मांग करने वाली याचिका ठुकरा दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर सेंट्रल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हुई। इस बैठक में कोरोना को रोकने के लिए बनाए गए मेगा प्लान की समीक्षा की गई है। इसके साथ ही लॉकडाउन के बाद मजदूरों के पलायन की स्थिति पर भी चर्चा की गई। बैठक में केंद्रीय मंत्री अमित शाह, प्रकाश जावड़ेकर,
स्मृति ईरानी और रामविलास पासवान समेत कई नेता शामिल हुए। राजनाथ सिंह के घर पर कोरोना को लेकर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की यह दूसरी बैठक है। इससे पहले भी सभी केंद्रियों ने बैठक की थी और हालात की समीक्षा की थी। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो संदेश को निराशाजनक बताया है। उन्होंने कहा कि प्रतीकात्मक चीजें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन विशेषज्ञों एवं अर्थशास्त्रियों की विवेकपूर्ण सलाह को सुनना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। पूर्व मंत्री ने यह दावा भी किया कि प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद कामकाजी वर्ग, कारोबारी और दिहाड़ी मजदूर निराश हुए, जो आर्थिक विकास के लिए कुछ कदमों की उम्मीद लगाए हुए थे। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में देश की सामूहिक शक्ति के महत्व को रेखांकित करते हुए रविवार 5 अप्रैल को देशवासियों से अपने घरों की बालकनी में खड़े रहकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाने की अपील की। चिदंबरम ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री जी, हम आपकी सुनेंगे और 5 अप्रैल को दिया भी जलाएंगे, लेकिन बदले में आप हमारी महामारी विशेषज्ञों और अर्थशास्त्रियों की विवेकपूर्ण सलाह को सुनें। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री पर निजी सुरक्षा उपकरण में देरी होने पर निशाना साधा है। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री के वीडियो संदेश का हवाला देते हुए यह दावा भी किया कि देश के सभी वर्गों ने मोदी के संबोधन से जो उम्मीदें लगा रखी थी वह पूरी नहीं हुई। उन्होंने वीडियो लिंक के माध्यम से संवाददाताओं से कहा कि प्रधानमंत्री जी, देश को उम्मीद थी कि आप चिकित्सा कर्मियों के लिए PPE की उपलब्धता के बारे में बताएंगे। आप कहेंगे कि किसानों, गरीबों और मजदूरों के खाते में 7,500 रुपये डाले जाएंगे। मनरेगा के मजदूरों को उम्मीद थी कि आप उन्हें अग्रिम भुगतान की राशि देने की घोषणा करेंगे। खेड़ा ने सवाल किया कि आपने कहा था कि ताली और थाली बजाओ, सबने बजाई। अब आप कह रहे हैं कि दिए, मोमबत्ती और टॉर्च जलाओ, वह भी जला दिया जाएगा, लेकिन यह बताइए कि जिन चिकित्साकर्मियों के लिए आपने थाली और ताली बजवाई थी उन्हें निजी सुरक्षा उपकरण क्यों नहीं मिल रहे हैं। राजस्थान में कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। प्रदेश में शाम 5 बजे तक 33 नए मामले सामने आए, जिसमें 12 टोंक से हैं। यह सभी टोंक में पहले पॉजिटिव मिल चुके तबलीगी जमात के लोगों के परिवार से हैं। वहीं बीकानेर में भी 2 तबलीगी जमात के लोग संक्रमित मिले हैं। इसके साथ जयपुर में भी 12 नए केस सामने आए हैं। वहीं 3 केस उदयपुर में सामने आए। इसके बाद जोधपुर में ईरान से लौटे 3 और दौसा में 1 केस सामने आया, जिसके बाद राजस्थान में कुल आंकड़ा 166 पहुंच गया है। राजधानी जयपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 48 पहुंच गई है, जबकि भीलवाड़ा में 26, टोंक में 16, जोधपुर में 10, झुंझुनू में 9 कोरोना पॉजिटिव हैं, जबकि 2 इटली से और 18 कोरोना पॉजिटिव आर्मी कैंप से मिले हैं। वहीं चूरू में 8, अजमेर में 5, डूंगरपुर में 3, बीकानेर में 2, अलवर में 2 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कहा कि राज्य में आटा, बेसन और मसाला मिलों में उत्पादन कार्य चालू है। इसके साथ ही प्रभावी सप्लाई चेन के चलते प्रदेश में आटा, दाल, तेल और मसाले की उपलब्धता व्यवस्था को चाक चौबंद किया जा चुका है। उद्योग मंत्री मीणा ने एक बार फिर दोहराया कि CSR फंड वाली औद्योगिक इकाइयों को व्यापक सामाजिक सरोकारों को ध्यान में रखते हुए आगे आना चाहिए। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तारीकरण, मास्क, सैनिटाइजर, जरूरतमंदों को फूड पैकेट के लिए जिला कलेक्टर या मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में राशि उपलब्ध कराएं। लॉकडाउन के पहले दिन से 24 तारीख से ही आटा, दाल, बेसन, तेल, इस तरह की जो आवश्यक सेवाएं थी, सरकार ने फैसला किया है वो पहले दिन से ही चालू रखी गई है और उनको बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा है, मास्क वगैरह का पालन करने के लिए कहा है। इसीलिए आज ये बहुत बड़ा संकट टल गया हमारा। खाने पीने की चीजों की जो आज उपलब्धता है उसी का कारण है कि हमारी इस तरह की फैक्ट्रियां पहले दिन से चालू है और इनको कोई बंद करने का सवाल नहीं। और मजदूरों की जहां तक है उनको पूरे मास्क वगैरह, सैनिटाइज वगैरह, जो भी सोशल डिस्टेंसिंग का जो लॉकडाउन में पालन करने का पूरे नियमों से पालन कर रहे हैं और उस सब इस तरह की व्यवस्था हमने की। पहले इनकी कोई आवश्यकता नहीं थी पर लॉकडाउन के बाद इनकी आवश्यकता हुई। इस तरह के विभाग ने डायरेक्शन दिए, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जाए। हमारे अधिकारियों ने भी देखा है जगह जगह जाकर, हमारे पूरे प्रदेश से कहीं भी कोई ऐसी शिकायत नहीं आई कि उनकी आटा मिल है, दाल मिल है, तेल मिल है, उनको कोई बंद करने का कोई कारण बना हो, सारी की सारी चालू है। इसलिए जो सप्लाई की चेन नहीं टूटने का सबसे बड़ा ये कारण है कि इस बात का हमने पूरा ख्याल रखा है
आवश्यक सेवाएं बंद नहीं होनी चाहिए। कोरोना से निपटने के लिए कई सामाजिक संस्थाएं अपना योगदान दे रही हैं। ऐसी एक सामाजिक संस्था पीस फाउंडेशन ने कोरोना राहत अभियान के लिए वॉशेबल मास्क का वितरण किया। फाउंडेशन के सदस्यों ने जिला कलेक्टर में कलेक्टर जोगाराम को 1000 मास्क जरूरतमंदों के लिए दिए। फाउंडेशन पूरे राजस्थान के लिए जल्द ही 10,000 और मास्क बनाएगी। पीस फाउंडेशन मास्क के साथ साथ भोजन के पैकेट भी दे रही है। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 674.36 के अंक की गिरावट के साथ 27,590.95 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 170 अंक की गिरावट के साथ 8,083.80 के स्तर पर बंद हुआ। सन फार्मा, सिप्ला, ITC, गेल, ONGC, टेक महिंद्रा और इंफ्राटेल के शेयर हरे निशान पर बंद हुए। वहीं एक्सिस बैंक, मारुति, HDFC, एशियन पेंट्स और विप्रो के शेयर लाल निशान पर बंद हुए। एशियाई बैंक ने भारत को करारा झटका दिया है। बैंक ने अनुमान जताया है कि वित्त वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक विकास दर घटकर 4% रह सकती है। वित्त वर्ष 2019 में यह 6.1% से गिरकर 5% रह गई थी। बैंक ने अपने एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2020 में कहा कि भारत में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि अगले वित्त वर्ष में 6.2% तक मजबूत होने से पहले वित्त वर्ष 2021 में घटकर 4% रह सकती है। कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के कारण दुनिया भर में पैदा हुए स्वास्थ्य आपात के बीच अर्थव्यवस्था के लिए यह किसी झटके से कम नहीं है। बाजार में पिछले साल आई सुस्ती के बाद से ही भारत की विकास दर धीमी होती रही है। अभी के लिए इतना ही। बने रहिए द एंगल के साथ। नमस्कार।